जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ भिंडी की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी हम कई तरीके से बनाते हैं और भिंडी लगभग सभी लोगों को बहुत पसंद भी होती है। आज मैं आपके साथ भिंडी दो प्याजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और उसे बनाने के लिए मैंने ले लिया ये 250 ग्राम भिंडियां। और आप जब भी बाजार से भिंडी लें, भिंडी अगर कच्ची है तो आप भिंडी की कोई भी सब्जी बनाएं, वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और ये जो मैंने भिंडी ली है, इन्हें अच्छे से धो लिया है और चलनी में डाल दिया था, जिससे एक्स्ट्रा पानी सूख गया है। और ज्यादा पानी को अच्छे से सुखाने के लिए हम इसे किचन टॉवल पर डाल देंगे और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छे से सोख लेंगे। भिंडी का सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छे से सूख गया है। और इसके बाद हम भिंडी को कट कर लेंगे। और कट करने से पहले हम ये जो नीचे का डंठल होता है, ये भी निकाल देंगे और ऊपर का भी निकाल देंगे। भिंडी को मैंने ऊपर नीचे से डंठल काटकर अच्छे से साफ कर लिया है। और अब बारी है भिंडी को कट करने की। हम इसके करीब आधे से पौन इंच के बस इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे। और ये मैंने सब भिंडियों को कट कर लिया है। भिंडी दो प्याजे के लिए हमें दो तरीके से कट करी हुई प्याज की जरूरत है। और एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने चॉपर में चला लिया है और एक प्याज को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें से इस तरीके से इसके पीस अलग अलग कर लेंगे और इसे स्क्वायर शेप में कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने प्याज को स्क्वायर शेप में कर लिया है। और इसके बाद गैस ऑन करके मैंने उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में डाल देते हैं 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल आप अपने मन से थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने भिंडी दो प्याजे बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज किया है। और सरसों के तेल को हम पहले स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर लेंगे। और आप देख सकते हैं तेल में अच्छा धुआं उठने लगा है। एक बार गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जिससे तेल हल्का सा ठंडा हुआ फिर से गैस ऑन कर देते हैं। और अब हम तेल में डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन। इस समय गैस का फ्लेम बहुत ही लो रखें जिससे मसाले जले नहीं। साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। दोनों को अच्छे से चटकने देते हैं और जिससे जीरा और अजवाइन अच्छे से चटकते हैं, हम इसमें डाल देंगे चॉप करा हुआ प्याज। और ये मैंने डाल दिए इसमें 2 हरी मिर्चें जिसे लंबाई से चीर लिया है। और जैसे ये भिंडी दो प्याजे के लिए प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले डाल देते हैं 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्चें तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कम या ज्यादा, नमक टेस्ट के हिसाब से। भिंडी तोरई कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिस समय हम बनाते हैं काफी लगती हैं, लेकिन बनने के बाद बहुत ही थोड़ी सी रह जाती है, इसलिए नमक आप देखकर डालें। और मसाले के साथ प्याज को कुछ देर और भून लेंगे। और आप डाल देंगे 1 टीस्पून जितना सौंफ जिसे मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया है। भिंडी की सब्जी में सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब प्याज बिल्कुल अच्छे से भून जाए तब आप इसमें डाल दीजिए 1 टमाटर जिसे चॉपर में चला लिया है। सेकंड तक टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर को मैंने 30 से 40 सेकंड तक भून लिया है। और आप डालेंगे हम कटी हुई भिंडियां। आप भिंडी की कोई भी सब्जी बनाएं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भिंडी को अच्छे से धोने के बाद सुखा ले, इससे भिंडी थोड़ी ज्यादा अच्छी बन जाती है। भिंडी को मैंने मसाले में 1 मिनट तक और चला लिया है। और अब हम डाल देंगे वो प्याज जिसे हमने इस तरीके से चकोर टुकड़ों में काट कर रखा था। अब 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर हम भिंडी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। भिंडी दो प्याजों को मैंने करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लिया है।
और जो भिंडी थी अच्छे से पक चुकी है, जो हमने कच्चा प्याज डाला था वो भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि भिंडी की जो सब्जी है देखने में थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और अब बारी है इसमें अमचूर पाउडर डालने की। ये मैंने डाल दिया इसमें हाफ टी स्पून जितना अमचूर पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, और हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी और थोड़ी डिफरेंट भिंडी दो प्याजा बनकर तैयार हो गई है। गैस से फ्लेम ऑफ कर देते हैं और लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी और थोड़ी से डिफरेंट तरीके से बनी हुई भिंडी दो प्याजा बनकर तैयार है। आप इस सब्जी को रोटी, पराठे, चपाती, नान या पूड़ी कचौड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबके साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी और तरीका अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल